शानजे, शानजे, शानी से बात हुई है तुम्हारी? नो मॉम, उसने भी नहीं की। कर लेगा, थोड़ा सोचने दे, लेट हिम थिंक। सोच तो उसने लिया है, रिजाइन कर गया है वो। मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। इतनी देर नहीं लगाऊंगी मैं आज ही कह देती हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो मैं अपने अपने घर वालों के या मेरे सुख की परवाह नहीं है ना, तो शायान अहमद मैं आज ही कह देती हूं कि मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं। तो अपना रेजिग्नेशन वापस लो। जी बोले। मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में बैठी हूं। तो क्या, बाहर आओ, बात करनी है मुझे। ये कौन सा तरीका है, बार बार इस तरह मेरे घर आया करेंगी? अब घर नहीं आई, बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, कहा ना बाहर आओ, बात करनी है मुझे। नहीं आओगे तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। थ्रेट कर रही हैं आप मुझे? अभी नहीं कर रही मैं, अगर तुम नहीं मिलोगे तो फिर मैं थ्रेट करूंगी। बाहर आओ, आई एम वेटिंग। गाड़ी में आके बैठो। आपने जो कहना है कहिए, मैं खड़े खड़े सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही शानी, बात करनी है तुमसे। अब मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। बोली। किसी ने तुम्हें कभी बताया कि तुम गुस्से में और भी अच्छे लगते हो? अच्छा सॉरी। क्यों नाराज हो मुझसे? मेरा ख्याल है मेरा और आपका नाराजगी का कोई ताल्लुक बनता नहीं है। दोस्ती का तो है ना? वो ताल्लुक भी आपने खुद बनाया था, मैंने नहीं। चलो अब तो बन गया ना, कल से जॉब पे आ रहे हो ना? किस हैसियत से? तुम किस हैसियत से आना चाहते? आप जानती है ना कि मैं किसी भी हैसियत से नहीं आना चाहता ऑफिस। ओके, मगर तुम जानते हो ना कि ये जॉब तुम्हारी फैमिली की जरूरत है। देखो आई नो, मुझे पता है कि मैंने जो तुम्हें मॉम एंड डैड से मिलवाया, तुम उस बात से बहुत अपसेट हो, आई नो। जी हाँ, और जिस हैसियत से आपने मुझे मिलवाया मैं सोच भी नहीं सकता था। जरूरी तो नहीं कि जो कभी ना सोचा वो सोच ही ना सको। मेरी बात सुनिए, मुझसे किसी किस्म की भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है आपको, समझिए।
शानी, यू नो, मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती और ताल्लुक को कुछ वक्त देना चाहिए। तुम थोड़ा सा टाइम लो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है, लेकिन जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है, मैं तन्हाई नहीं रही। जब कोई नहीं होता तब भी तुम मेरे पास होते हो शानी। तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस एहसास को जिंदा रहने दो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। प्लीज, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग रही। यू नो, कल से जब तुम जॉब पे आओगे तो तुम मुझे बहुत अच्छा दोस्त पाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन बात अगर दोस्ती से आगे बढ़ी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नौबत वहां तक जाएगी। ठीक है, आऊंगा। माय गॉड, थैंक यू शानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स शानी। शानी, जॉब कर रहे हो तो बॉसेस की सुननी पड़ती है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर इशू बनाने लगे तो तुम कहीं भी जॉब नहीं कर सकोगे। तो नहीं करनी मुझे जॉब, वो लड़की मेरे असाब पे सवार हो गई है। जितना मैं उससे इरिटेट होता हूँ उतनी मेरे लिए दर्द सर बन गई है। कौन लड़की? शानजे, मेरे बॉस की बेटी, और खुदा की कसम मैंने उसको ठीक से आज तक देखा तक नहीं है। हाइपर होके एक लड़की की खातिर जॉब छोड़कर आ गए? बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है सजीला, उसने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके फादर तुम्हारे बॉस नहीं लगते थे क्या? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कल वो मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। खावर ने तो हमारे हाथ फुला दिए, एक महीने के लिए आ रहा है अगले महीने। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकेगा? जल्दी? अरे आप इसे जल्दी कह रही हैं? हम तो शर्म के मारे आपके पास आ नहीं रहते कि मंगनी को इतना अरसा गुजर गया है, शादी के लिए हम क्या तारीख देंगे, और आपको अभी भी जल्दी लग रही है? मेरा ये मतलब नहीं था, बेटियां तो जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए अच्छा होता है, मगर मैं यही कह रही थी कि कुछ तैयारी तो करनी होगी ना हमें। तैयारी में क्या वक्त लगता है, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह शानी को इतनी अच्छी नौकरी मिल चुकी है, और जिन लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है उनको तो वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, लोन, अम्मी लोन। हाँ हाँ, आसानी से लोन मिल जाता है। और बहन, जिसके हाथ में पैसा हो ना तो तैयारी करने में कौन सी देर लगती है? देखे, मैं अपने हालात जानती हूँ, इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी तैयारी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? सदा खुश रहो। अरे शानी, तुम ही अपनी अम्मी को समझाओ ना, खुदा खुदा करके खावर के आने का सबब बन रहा है और तुम्हारी अम्मी कह रही है कि इतनी जल्दी शादी मुमकिन नहीं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आंटी, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा।
आज तुम जॉब पर नहीं गए अपने? नहीं, आज ऑफिस से ऑफ लिया है मैंने, इंशाल्लाह कल से जाऊंगा। मैंने खबर को भी बताया था, उसे सुन के तो बहुत खुशी हुई थी। अच्छा? हाँ, आया था खबर का फोन, अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन आमीन। मेरे बेटे ने इतना लंबा अरसा परदेश में गुजार लिया, बस अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह करे साथ खैरियत के खावर आए। आमीन। हमारे घर का तो करता धरता शानी है, सारी जिम्मेदारी इसी के कांधों पे। अब जब ये कह रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर्ष, तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई मेरी तरफ आने के लिए? तुम ये टॉन्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझसे ज्यादा खुद बिजी हो तुम। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग? मत पूछो यार, फाइक को कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं तुम्हारी शॉपिंग की बात कर रही हूँ। मैं भी अपनी ही शॉपिंग की बात कर रही हूँ, मगर उसमें भी तो फाइक की मर्जी है ना। आई थिंक फाइक को बहुत शौक है हर चीज में अपनी मर्जी करने की, है ना? नहीं, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो महबूब की मर्जी को अपनाना ही अपनी मर्जी बन जाती है शान से। मगर तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने मोहब्बत को सही तरह से एक्सपीरियंस तो नहीं किया। बट डोंट वरी, जल्दी समझ जाओगी शायद। ऐसे उस दिन मुझे तुम्हें उस लड़के के साथ देखकर दिल से बहुत खुशी हुई। शानी नाम बताया था ना उसका? हाँ, मुझे तब अंदाजा हो गया था कि तुम्हें बहुत खुशी हुई जब तुमने मॉम को फोन किया था कंफर्म करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आया इस बात पर ना। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। That he is in my life. बहुत स्वीट है वो। Best of luck. Thanks. आंटी बता रही थी कि वो घर भी आया था मिलने के लिए। फिर तो मॉम ने ये भी बताया होगा कि उससे मुलाकात कुछ खास नहीं रही। नहीं, मगर वो तो तुम्हारी खुशी में खुश है ना शानजे। ये तो बता ही दिया होगा कि वो डैड के ऑफिस में जॉब कर रहा है। सो व्हाट, वो कहीं भी काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुश हो ना, बस दैट्स एनफ। थैंक यू। वैसे ये शिकवा मुझे तुमसे हमेशा रहेगा कि तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझसे शेयर ही नहीं की। मुझे खुद पता नहीं चला कि वो कब मेरे दिल में आ बसा। बहुत खुददार, बहुत समझदार, बहुत मोहब्बत करने वाला, यही कहना चाहती हो ना? मोहब्बत करना शायद उसे भी आता नहीं। तुम्हें भी नहीं आता था, अब तुम सिखा देना। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना फैसला बदल लिया। देखो, दुनिया में ऊंच नीच तो होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे। और इसका ये मतलब भी नहीं है अम्मी कि इंसान हर बात बर्दाश्त करना शुरू कर दे। तुम तो समझदार हो बेटा, तुम्हें भला मैं क्या समझाऊं। दुनिया में रहने के लिए दुनिया वालों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना तो इंसान दुनिया में तन्हा रह जाए। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं आप लोगों को किसी भी मुश्किल में नहीं डालूंगा। हम लोगों को और खुद को? बेटा, हम और तुम एक दूसरे से जुदा तो नहीं है ना? अगर हम परेशान होंगे तो क्या तुम खुश होगे? शानजे तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह भी मैं जानती हूं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मैंने ऐसी नहीं की है कि लड़कियों की बेबाक नजरों और आजाद रवैयों को तुम बर्दाश्त कर सको। और वैसे भी मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में तो सजीला बस्ती है। शुक्र है वही बस्ती है, उसकी हर बात मान जाते हो। आज भी उसने ही मनाया ना तुम्हें।
जुगनू जरा देखो बेटा कौन है। जब से देखा यार का चेहरा और भला क्या देखेंगे। मुझे सजीला ने नहीं मनाया अम्मी, मुझे तो उसने मनाया जिससे मैं नफरत करने लगा था। दिल का तमाशा देखेंगे। अरे ये कौन दे गया है? शानजी आप ही ने भिजवाई है। सानिद अभी तक तुमने वापस नहीं किया, जरूरत नहीं है। अरे वापस कर दी थी मैंने, ये शानजी आप ही ने मेरे लिए भिजवाई है। तुम क्या करोगे इतनी महंगी बाइक का? जॉब करते आए हैं, आपने भी बाइक चलाई है, अब मैं चलाया करूंगा इसको। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है उसका और एहसान लेने की। हाँ भाई, भाई आपको गाड़ी मिल गई, आप लोगों को घर मिल जाएगा, मुझे ये बाइक गिफ्ट कर दी ना उन्होंने। तुमने बड़ी जल्दी रिश्ते बना लिए। क्या करें आप ही, वो है ही इतनी अच्छी। अगर कोई अच्छा होता है ना तो उसका फायदा नहीं उठाया करते। मैं कर दूंगा इसको वापस, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं नहीं भाई, उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। बकवास नहीं करना मुझसे, तूने खुद मांगी है ना उससे। नहीं नहीं आई प्रॉमिस, मैंने नहीं मांगी उनसे, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने भिजवा दी। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको वापस नहीं करने दूंगा। लगता है तुम्हारे मुखबिरों ने इत्तला दे दी कि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली। अगर मेरे मुखबिर मुझे ना बताएं तो तुम पता नहीं क्या क्या करते फिरो। क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कितना फर्क है तुम्हारे कल के और आज के लहजे में। खुश हो बाबा कि बात मान ली मेरी तुमने पहली बार? ना मानता तो बदले हुए रवैयों और लहजों का फर्क कैसे पता चलता? अभी बिला वजह की ना मजलूमियत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ फोन क्यों किया तुमने? शाबाशी देने के लिए कि पहली बार साहबजादे ने अकलमंदाना फैसला कर ही लिया। तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दो, इसलिए कि तुम्हारे रवैये ने तो अकलमंद बनाया है मुझे। मान लो मेरी बात मान के नुकसान में नहीं रहोगे कभी। खैर इस बात का तो मुझे अंदाजा है कि मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। एक सेकंड, आपने क्या कुर्बानी दे दी मेरे लिए जो आप मुझ पे एहसान जता रहे हैं? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कुर्बानी दिखा दी, फायदे में कौन रहा? आप ही ना। तो फिर चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, खुदा हाफिज़। हेलो कौन है ये? आइए। हाय। हाय। वेलकम बैक। थैंक यू। दोबारा मत छोड़ना इस सीट को, बहुत अच्छे लगते हो तुम। तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाली रह गई हूँ। इस तरह जाने से तो मैं भी बिल्कुल खाली रह गया था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेरी बात मान के गलती कर दी और मैं दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गई? आपके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मालिक हैं आप, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं, मेरा क्या है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूं बस। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, दोस्त हो मेरे। आपको नहीं लगता है कि दोस्ती भी किसी एम्प्लॉयमेंट से कम नहीं है?
आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज सॉरी ना कहिए। जिनके एहसानात होते हैं उनको सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो। मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे, शायद मेरे लिए बहुत होगा। हैव अ गुड डे। आपको अभी पता नहीं है शांति मैम, एहसानों का बदला मुस्कुरा कर नहीं, इज्जत नफ्स को कुर्बान करके चुकाया जाता है। मैंने कुछ कहा था तुमसे, फोन कर लेती हूँ उसे, खुश हो जाता वो। किया था, आपके साहबजादे नखरे दिखा रहे थे, कहते फ्री होऊंगा तो कॉल कर। तुमने भी तो बहुत नखरे दिखाए उसे, अब उसकी बारी है, कर लेने दो अपनी मर्जी पूरी। ये आप उसकी इतनी हिमायत क्यों करती है? मुझे पसंद नहीं अम्मी। क्यों ना करूं, बेटा है वो इस घर का। बेटा बन के दिखा, ये कहां की अकलमंदी है, इतनी अच्छी नौकरी को लात मार दिया। कोई तो वजह रही होगी, ऐसे ही तो उसने नहीं रिजाइन किया ना। जानती हूं वो वजह, उसको अपने बॉस की बेटी नहीं पसंद। क्या मतलब? मतलब ये है कि बॉस की जगह कभी कभी वो आती है, आपके साहबजादे पे हुक्म चलाती होगी जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। उसे आदत जो पड़ गई है सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानने की। आदत पड़नी भी चाहिए, मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मेरी सुननी भी पड़ेगी, मेरी माननी भी पड़ेगी। मोहब्बत में इंसान सुनता भी है और मानता भी है, लेकिन तुम हर वक्त हंटर लेकर उसके पीछे नहीं पड़े रहो। मेरी अम्मी है ना, ज्यादा हिमायत ना क्या करें उसकी। पता नहीं तुम दोनों का बचपना कब खत्म हो, हर वक्त लड़ते रहते। दोबारा मत छोड़ना इस सीट को, बहुत अच्छे लगते हो तुम। तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाली रह गई। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो। मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे, शायद मेरे लिए बहुत होगा। आपके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मालिक हैं आप, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं, मेरा क्या है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूं बस। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, दोस्त हो मेरे। आपको नहीं लगता है कि दोस्ती भी किसी एम्प्लॉयमेंट से कम नहीं है? ए मोहब्बत शुक्रिया जो दिया तूने दिया, गम हो चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा, है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया, है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया।
हेलो, आप शायद ड्राइव कर रही थी। हाँ, आई एम सॉरी, मैं वो मुझे पता नहीं चला तुम्हारा फोन आ रहा था। वर्षी, आप यहाँ से बहुत परेशानी में गई थी, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। रियली? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? आई मीन तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? आप ठीक तो है ना? यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। किस लिए? मेरी फिक्र करने के लिए। थैंक्स, बाय। Hi mom. Mashallah, you look so happy. कोई खास वजह? Mom, he's back. वो वापस आ गया है। Office में? और मेरी ज़िंदगी में भी। मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, Good luck. Thanks. खुदा करे वो वाकई वैसा ही साबित हो जैसा तुम सोचने लगी हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही है। एक दिन रिजाइन करता है, दूसरे दिन ज्वाइन कर लेता आके। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है वो हम। उसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं कैम, वो साबित कर चुका है। वो हमारी शानजे की बात को वैल्यू करता है। डॉज दे रहा है वो उसे, फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। कैम अगर फ्लर्ट कर रहा होता ना तो अपनी रेजिग्नेशन हैंडल नहीं करता, उस दिन दावत से इस तरह से वॉकआउट ना करता। टैक्टिक्स खेल रहा है वो, हमारी गुड बुक्स में आने के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है वो। डजंट नीड टू यूज एनी टैक्टिक्स। हमारी शानजे पसंद करती है उसे और ये हमारी गुड बुक्स में आने के लिए काफी है। कम से कम उस लड़के का पता तो करवा लेती ना कि कौन है वो, और यूं इस तरह से अचानक शानजे की जिंदगी में कहां से आ गया वो। तुम्हारे ऑफिस में होता है ना, तुम आसानी से ये कर सकते हो। और वैसे भी उसने सब कुछ तो बता दिया उसने अपने बारे में। उसके पास कुछ था अपने बारे में बताने के लिए? अपना बीपी क्यों हाई कर रहे हो कैम? अगर पूछना है तो शानजे से पूछ लो ना। अब यही करना पड़ेगा, पूछता हूँ शानजे से, लेकिन तुम अब बीच में नहीं आओगे। ओके। शाजिया, मैंने जो बैग्स रखे हैं वो लेके आना। थैंक्स। ठीक है, आप चली जाओ। हेलो डार्लिंग। हाय डैड। आ जाओ। यस प्लीज। क्या कर रही है मेरी बेटी? नथिंग स्पेशल डैड, मुझ पे कलर सूट करेगा ना? ये कलर क्या, मेरी बेटी है इतनी प्यारी, हर कलर सूट करता है तुम्हें। लगता है काफी शॉपिंग हुई है आज। यस, आफ्टर सो मेनी डेज। चलो कैरी ऑन, फिर मिलते हैं। हुँ? डैड, आप कुछ पूछने आए थे क्या? हाँ, पूछना तो था, बट यू आर बिजी। नो नो नो, आई एम नॉट बिजी, आप पूछिए प्लीज। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि शानी की फैमिली से मिली हो तुम, कैसे लोग हैं? डैड, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे अपनी जरूरतों और मजबूरियों में उलझे हुए।
आई मीन अगर वो इतने लालची लोग हैं तो तुम शानी के बारे में दोबारा सोच सकती हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो लालची हैं। कुछ लोग जो नजर आते हैं ना वो वैसे होते नहीं हैं। और समटाइम जिंदगी में अंधा एतमाद आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। डैड मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, शानी जैसा नजर आता है वो बिल्कुल वैसे ही है। ओके। कब से जानती हो तुम शानी को? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? आई नो कि मेरी बेटी बहुत इनोसेंट है, दुनिया को नहीं समझती। डैड मैं दुनिया को समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने शानी पे भरोसा किया। तुम ही समझाओ इसे कुछ। आई नो आप लोगों को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही है कि मैं हर लड़के को रिजेक्ट करती आई हूं, बट मॉम ट्रस्ट मी, मैं उनकी साइकी समझती थी, उन्हें मैं नजर नहीं आती थी, आपकी दौलत नजर आती थी। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि शानी को भी ये सारी चीजें इंस्पायर कर रही हैं। मॉम प्लीज, शानी को कुछ भी इंस्पायर नहीं कर रहा, वो बेवफा हो सकता है, हरजाई हो सकता है, लेकिन लालची नहीं है। अल्लाह करे तुम्हारा भरोसा शानी पे हमेशा कायम रहे। I'm with you. मैंने दिन में भी कॉल की थी, कहाँ मसरूफ होती हो तुम? घर के कामों में, और वैसे भी घर वालों की मौजूदगी में इस तरह फोन पे बात करना अच्छा तो नहीं लगता ना। हाँ ये भी है, लेकिन अब ये मुश्किल जो है ना खत्म होने वाली है। खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है भाई, मेरे घर में तो फुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शादी की। आपने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारियां करनी है? तैयारियां तो लड़की वालों को करनी पड़ती है ना। हाँ तो हो जाएंगी, शानी की बात हुई है अम्मी से, वो बता रहा था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और वैसे भी समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां समझता है यार वो। वैसे कितना जुल्म है ना, माँ बाप लड़की भी दें और लड़की की शादी पे लाखों रुपए भी खर्च करें। जनाब इसको जुल्म नहीं कहते, रिवायात कहते हैं, हमेशा से होता आया और हमेशा यही होता रहेगा, तो खत्म होना चाहिए ऐसी रिवायत को। अच्छा मतलब जो सदियों से रिवायत चलती आ रही है वो हमारे कहने से खत्म हो जाएंगी? खावर किसी ने तो इस रिवायत को खत्म करना होगा ना, तो फिर हम क्यों नहीं? यार मैं इतनी दूर से वक्त निकाल के तुम्हें फोन करता हूँ और तुम दो घड़ी प्यार की बात नहीं कर सकती, किन फजूल बातों में उलझा देती हो यार तुम। मेरा मतलब आपको उलझाना नहीं था खावर, मैं तो अच्छा अच्छा ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा प्लीज सॉरी, नाराज मत हो मुझसे। नाराज नहीं हूँ, लेकिन बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ा काम याद आ गया, बाद में कॉल करूंगा, खुदा हाफिज़। कैसा लगा तुम्हें नया अपार्टमेंट? अच्छा, मेरी हैसियत से बहुत ऊपर। तुम्हारी हैसियत क्या, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। अंदाजा है मुझे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आंटी को अपार्टमेंट दिखा दूं, ताकि अगर उन्हें कुछ चेंजेस करनी हो तो वो कर लें? इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें इन चीजों का ज्यादा इल्म नहीं है। हाँ लेकिन जुगनू और नादिया, उनकी तो कोई पसंद नापसंद होगी ना। हम छोटे घरों में रहने वालों की पसंद नापसंद की फहरिस्त बहुत लंबी होती है। बेहतर है कि वो ज़बान पे नहीं आया।
वैसे आज तुम बगैर किसी एक्सक्यूज और बहस की मेरे साथ कैसा? इनक्योर कैसे के सवालों में रचना जरूरी है कि? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। तो ठीक है ना, जो वक्त अच्छा गुजारा है सो गुजारिए। इन सवालों के जवाब में पड़ गई तो आपकी खुशी का मजा खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल है मेरी खुशी का? नहीं होना चाहिए। तुम्हें ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करता हूँ तुझसे।